हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, DLED 2021 बैच का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। काउंसिलिंग लेटर भी जारी कर दिया गया है, यानी आपका जो रैंक कार्ड है वो भी जारी कर दिया गया है। शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है कि किस रैंक से किस तक आप अपना कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, किस स्थिति में आपको अपना कॉलेज मिलेगा और कितने कॉलेज आप फिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कैसे आप अपना स्कोर कार्ड जांच सकेंगे, एडमिशन का क्या प्रोसेस होगा, कब से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी और फीस कितनी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो DLED 2021 बैच के लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का न्यूज़पेपर देखते हैं। बुधवार 11 सितंबर 2021 यानी आज के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई है, DLED 2021 की काउंसलिंग आज से शुरू। तो आज से काउंसलिंग शुरू स्टार्ट हो चुकी है। 30 सितंबर तक चलेगी काउंसलिंग। संस्थानों को प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की ऑनलाइन रिपोर्ट 4 अक्टूबर तक करानी होगी लोग, यानी आपकी 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का आप एडमिशन लेंगे तो आपकी सीट लॉक की जाएगी। तो एक बार देख लेते हैं, DLED 2021 प्रशिक्षण के अभ्यर्थी की मेरिट के आधार पर कॉलेज आवंटन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी। काउंसलिंग प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी। अभ्यर्थी को अधिक से अधिक कॉलेज का विकल्प भरने में छूट रहेगी। संस्थान प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की ऑनलाइन रिपोर्ट 4 अक्टूबर तक लॉक करेंगे। 4 अक्टूबर तक रिपोर्ट लॉक नहीं करने पर प्रवेश मान्य नहीं होगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बताया, यानी PNP ने बताया कि काउंसलिंग 22 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगी। 22 से 24 सितंबर तक 30,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी, यानी फर्स्ट फेज में स्टार्टिंग के 30,000 रैंक वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। जिसका भी स्कोर कार्ड 30,000 से कम है उसकी काउंसलिंग 22 से 24 सितंबर तक होगी। 25 से 27 सितंबर तक 30,000 से ऊपर 1,00,000 तक का अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में शामिल होंगे। साथ ही रैंक 1 से 30,000 तक ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें कॉलेज का आवंटन न हुआ हो काउंसलिंग में शामिल होंगे। 28 से 30 सितंबर तक 1,00,000 रैंक से अंतिम रैंक तक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। साथ ही इन्हें पूर्व की काउंसलिंग में कॉलेज आवंटन न हुए हो वह भी काउंसलिंग होगी। यानी अगर आपके स्कोर कार्ड 30,000 से कम है, आप काउंसलिंग नहीं कराते हैं, तो आप सेकंड फेज में भी काउंसलिंग करा सकते हैं। साथ ही उन्हें पूर्व की काउंसलिंग में आवंटन किया जाए वह भी राशि शामिल होंगे प्रशिक्षण संस्थान प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की। चलिए मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ इनकी। ये विज्ञप्ति जारी की गई है, तो चलिए देखते हैं। BTC प्रशिक्षण 2021 ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने तथा मेरिट रैंकिंग के सापेक्ष आवंटित संस्थानों में अभिलेख जांच प्रवेश कार्रवाई पूरी किए जाने की समय सारणी। यानी आपको एडमिशन लेने के बाद क्या क्या प्रोसेस होगा, आपकी क्या प्रक्रिया होगी, कैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, वो सब इस लेटर में बताया गया है। तो DLED प्रशिक्षण 2021 हेतु ये शासन आदेश है। तो DLED प्रशिक्षण 2021 इस वेबसाइट के माध्यम से जारी किया गया है। तो जो फर्स्ट फेज है उसमें 22 सितंबर 2021 से 24 सितंबर 2021 तक 1 से लेकर 30,000 तक काउंसलिंग की जाएगी और ये 25 सितंबर 2021 को प्रकाशित की जाएगी। यानी आपको अपना कॉलेज फिल करना है 22 सितंबर से 24 सितंबर तक, जिसका भी स्कोर कार्ड में रैंक 1 से 30,000 तक के बीच में है। इसके बाद सेकंड फेज में 25 सितंबर से शुरू होगा, 27 सितंबर तक रहेगा और 30,000 1 से 1,00,000 तक के बीच के जितने भी हैं और जो इसमें रह चुके हैं काउंसलिंग कराए बिना वो भी इसमें आवंटित होंगे। यानी जो इसमें नहीं करा पाए वो सेकंड फेज में भी करा सकते हैं। 28 सितंबर को आपकी संस्था प्रकाशित करेगी और 27 सितंबर से 4 अक्टूबर तक शाम 5 बजे तक आपको अपनी सीट लॉक करानी होगी। जिस कॉलेज को आप फिल करेंगे वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। थर्ड फेज चलेगा 28 सितंबर से 30 सितंबर तक
और 1,01,000 से 2,40,154 तक आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। जो फर्स्ट और सेकंड फेज में रह जाएंगे वो भी यहाँ पर काउंसलिंग करा सकते हैं 1 अक्टूबर तक, और इसके बाद आपको 4 अक्टूबर तक, यही आपकी प्रक्रिया है, 27 से 4 अक्टूबर तक का आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन और अपना आधार कार्ड वगैरह, मूल जाति, ये सब अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आप अपने जो भी कॉलेज आपको मिले उसमें पहुँच जाना। इसके बाद आपका प्रशिक्षण प्रारंभ होगा 11 अक्टूबर 2021 से, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी कॉलेज में। तो आपका जो प्रशिक्षण शुरू होगा 11 अक्टूबर 2021 से होगा। हमारे द्वारा भी आपको नोट्स और क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर की, तो आप हमारे चैनल से भी जुड़े रहना। अभ्यर्थी अपनी मेरिट रैंक कार्ड यहाँ पर इस वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक जारी हुआ स्कोर कार्ड भी आपको दिखा देता हूँ, कैसे आप चेक कर सकेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा वेबसाइट का, यही वो वेबसाइट है जिस पर आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट कोर्स पर क्लिक करना होगा, DLED 2021। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर करने के बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे और नीचे आप लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे, तो आपके सामने स्कोर रैंक रिजल्ट शो हो चुका है। तो इनकी रैंक है 42,582, यानी 1 से लेकर 30,000 तक जो प्रशिक्षु है वो फर्स्ट रैंक में आएंगे, और इनकी है 42,582, तो ये सेकंड फेज में अपनी काउंसलिंग कराएंगे। जो सेकंड फेज की आपकी डेट दी गई है उसमें इनको अपना फॉर्म ओपन करके अपनी सीट लॉक कराने के लिए अपने कुछ कॉलेज सेलेक्ट करने होंगे। अगर गवर्नमेंट कॉलेज आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर आपके नियर कोई प्राइवेट संस्थान है आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको इस काउंसलिंग लेटर की फोटोकॉपी निकालनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर उस संस्थान में पहुँच जाना है, आपका ऐसे भी एडमिशन हो जाएगा, वे आपकी सीट लॉक कर लेंगे अपने यहाँ। प्राइवेट स्टूडेंट का कुछ कोटा होता है कॉलेज के यहाँ, तो वो आपकी सीट को लॉक कर लेंगे अपने संस्थान में। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे आप फीस सबमिट कर पाएंगे, क्योंकि आपको 10,000 रुपये फीस सबमिट करनी होती है सीट लॉक कराने के लिए, और ये आपकी रिफंड भी नहीं होती। फिर से इसी नोटिस को देखते हैं, यहाँ पर बताया गया है संस्थान के विकल्प का चुनाव करने के पश्चात आपको सीट लॉक न करने पर भरे गए विकल्पों को स्वतः लॉक माना जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आपको अपनी सीट लॉक करानी निश्चित है, करानी पड़ेगी। अभ्यर्थी अधिक से अधिक संस्थानों का विकल्प भरे, ताकि मतलब जो भी आपके नियर में कॉलेज हो आप उनको भर सकते हैं। उनके विकल्प चुनने की संख्या पर कोई बाध्य नहीं है, आप 8, 10, 15 जितने भी कॉलेज चाहें भर सकते हैं। वह एक बार में ही उपलब्ध समस्त संस्थानों का विकल्प पर्यटक क्रम में चुने, यानी आपको जो सबसे पहले या दूसरे या तीसरे नंबर का कॉलेज होगा वो ऐसा रखना कि आपके नियर हो जिसमें आपको एडमिशन लेना हो, शुरू के 1-2-3 में से ही आपका आ जाएगा, जिससे उसकी मेरिट के सापेक्ष यानी आपकी मेरिट लगेगी चुने गए विकल्पों में से किसी एक प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन किया जा सके। अभ्यर्थी द्वारा कम संख्या में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प देने पर यह संभावना है कि उन्हें मेरिट के सापेक्ष चुने गए विकल्पों में किसी भी प्रशिक्षण आवंटन न हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज सिलेक्ट करिए अपने आसपास के, अतः अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण संस्थान विकल्प चुने, ठीक है। तो आपको कैसे अपनी सीट फिक्स करनी होगी, अपॉइंटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर कैसे ले सकेंगे, तो अभ्यर्थी पॉइंट 5 को देखेंगे। अभ्यर्थी की मेरिट के अनुसार प्रशिक्षण हेतु आवंटन संस्थान में अभिलेख जांच प्रवेश की कार्रवाई के लिए आवंटन पत्र यानी अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने हेतु अभ्यर्थी को 10,000 रुपये का भुगतान करना होगा, ये इनका लिंक दिया गया है। तो आप जैसे ही स्कोर कार्ड ओपन करेंगे तो आपके वहीं पर पे का ऑप्शन आएगा, पे, तो आप वहाँ पर 10,000 रुपये का पेमेंट करेंगे और उस पेमेंट की स्लिप स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट ये लेकर आप संस्थान में जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपका एडमिशन सुनिश्चित कर लिया जाएगा। एक बार प्रशिक्षण आवंटन के होने के पश्चात अभ्यर्थी को प्रवेश में अगले चरण प्रक्रिया पुनः
ऑनलाइन विकल्प भरने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अगर आपने एक बार 10,000 रुपये की फीस सबमिट कर दी तो आपको दोबारा ऑप्शन नहीं मिलेगा संस्थान चेंज करने का, क्योंकि आपकी सीट लॉक हो चुकी है। तो आवंटन प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी के प्रवेश न लेने पर किसी भी प्रकार की अभिलेख विसंगति पाए जाने पर उक्त शुल्क यानी 10,000 रुपये इन्होंने रिफंड करने के लिए मना कर दिया है। आप अपने तभी रिफंड करें अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है। तो यही था इस लेटर में, इस लेटर को मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि हमारे चैनल पर DLED या UPTET या SuperTET से संबंधित अपडेट और क्लासेस आपको मिलती है। तो आप टेलीग्राम डाउनलोड करिए, टेलीग्राम पर सर्च करना ऑनलाइन शिक्षण SHIKSHAN, इसको सर्च करना तो आपको 11,000 सब्सक्राइबर का एक ग्रुप दिखाई देगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाना। तो आपको वहाँ पर क्लास के लिंक फर्स्ट सेमेस्टर 2021 बैच के और जो भी अपडेट होगी वहाँ पर आपको पता चलती रहेगी। जितने भी 2021 के नए मेंबर हैं वो इस ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्कोर कार्ड वाली इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अभी दे रहा हूँ, आप वहाँ पर क्लिक करना, अपना स्कोर कार्ड चेक करना। अगर आपका कोई भी डाउट अभी रह गया है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नीचे, तो आपको उसका जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी, पता चला होगा कि कैसे आप 2021 बैच में DLED के एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। आप सभी अपना प्यार बनाए रखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।